हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ गाइस। तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि एआई के हेल्प से हम अपना या कोई भी इमेज का या कोई भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे गाइस। अगर नॉर्मली अगर हम बात बोले तो बीजी रिमूव है, क्रोम पर आप जाकर सर्च मारिएगा, वहाँ से भी हट जाता है बैकग्राउंड। लेकिन गाइज एआई के हेल्प से देखना है, एआई के मदद से कैसे हटता है, इस चीज़ को देखेंगे गाइज। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे, स्टार्ट करते हैं गाइज। हेलो फ्रेंड, तो हम अपने लैपटॉप पे आ गए हैं और देख रहे गाइज ये क्रोम है। और तो गाइज क्रोम या फ़ोन पे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा crt.ai। गाइज आप जब सर्च करिएगा crt.ai तो उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो फ्री एआई आर्ट जनरेटर है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद गाइस देख रहे हैं इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरफेस इस तरह का। नीचे बहुत सारे आर्ट है जो एआई का आर्ट है, आप देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन है नीचे। तो ये रहा गाइस, और ज़्यादातर लड़के ही हैं इस पर। तो ये रहा आर्ट यहाँ पे गाइस। और उससे पहले कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप यहाँ पर से तब आप अपना जीमेल से भी लॉगिन हो जाएगा, और डिस्कॉर्ड है तो डिस्कॉर्ड आप यहाँ पे देख रहे गाइस तो इससे भी आप लॉगिन हो जाएगा। डिस्कॉर्ड में होता है एक्चुअली में क्या गाइस कि अगर आप अपना कोई भी किसी का वीडियो हो तो उसको एक कार्टून में वो बना कर दे देता है, तो इस पर भी एक बार वीडियो बना देंगे गाइस। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे गाइस तो यहाँ पर स्विफ्ट एआई है, तो इस पर क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पर होम भी है, साइबर पब भी है, तो स्विफ्ट एआई पर हम क्लिक करेंगे। और स्विफ्ट एआई पे क्लिक करने के बाद आप देखेगा इस नीचे में बहुत सारे ऑप्शन आ गया, जैसे स्केच टू इमेज है, टेक्स्ट टू इमेज है, एआई मेकअप है, एआई इरेजर है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन गाइस। तो आज हम इसको देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड गाइस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखेगा इस ऊपर में लिखा गया रिमूव बैकग्राउंड थ्रू एआई, एआई के थ्रू रिमूव करना। कुछ ऑप्शन गाइस आपको यहाँ पर नीचे दे गया है, जैसे अंगूर का है, तो अंगूर का अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से गाइस ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। आप देख रहे हो गाइस इसको यहाँ से अगर देखें तो इस तरह से एक परफेक्ट तरह से मतलब रिमूव हो जाता है गाइस। इधर देख रहे हैं वो इमेज है, बैकग्राउंड का इमेज, और इधर पूरा ब्लैंक है, तो कितना क्लियर गाइस बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसी तरह गाइस यहाँ पर दिया गया एक कोन का है, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसका गाइस, तो इसको भी हम देखें तो देख रहे गाइस एक क्लियर मतलब सिर्फ इमेज का वो रिमूव करके दे दिया गाइस। तो ये रहा अगर हम खुद का अगर इमेज करते हैं तो चलते हैं गाइस क्लिक करते हैं इस पर, और ये देख रहे हैं हम अपना इमेज लेके देखते हैं। तो ये देख रहे गाइस अगर खुद का इमेज करना हो तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके ड्रॉप हेयर इमेज आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो वो आपको इमेज भी लाएगा, इमेज आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बैकग्राउंड पीछे का जो भी ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है उसको एआई जो है रिमूव कर दिया है, और एक देख रहे कितना परफेक्ट वे में, एक भी नहीं इस पर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, परफेक्ट वे में बैकग्राउंड रिमूव हो गया। देख रहे गाइस यहाँ से अगर ऐसे हम करते हैं हटा रहे हैं तो मुझे इधर वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर का जो चेस का में होता है वो हो गया PNG फॉर्मेट में, और ये इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का। तो गाइस ये है, अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पर, और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा गाइस तो आपको यहाँ पे जाके डाउनलोड ये हो जाएगा। तो ये है गाइस इसमें रिमूव बैकग्राउंड। हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में देखे गाइस यही कि एआई के हेल्प से हम अपना बैकग्राउंड को या भी कोई भी इमेज का बैकग्राउंड को हम कैसे हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में ये देखे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।